आज हम बात करते हैं गेहूं को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं जिससे हमारा गेहूं लंबे समय तक हमारे भंडारण में सुरक्षित रह सके। अनाज भंडारण के समय हम लोगों से कुछ अचूक भूलें हो जाती हैं जिससे हमारा गेहूं कीड़ों मकोड़ों और कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। हम उसी बात पर आज चर्चा करेंगे कि गेहूं को किस प्रकार से संरक्षित करें और गेहूं को घुन से बचाने के लिए उसमें पुदीने की सूखी हुई पत्ती व नीम की सूखी हुई पत्तियों का भी हम प्रयोग करते हैं जिससे हमारा गेहूं सुरक्षित रहता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जिस टंकी में गेहूं का भरा जाना है उस टंकी का सूखा होना बेहद ही जरूरी होता है और वैज्ञानिकों की माने तो जिस टंकी में गेहूं भर रहे हैं उस टंकी में हवा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। हवा के साथ साथ पुराने गेहूं का नए गेहूं के साथ कोई भी संपर्क नहीं होना चाहिए, अर्थात पुराने गेहूं को नए गेहूं के साथ आप नहीं रख सकते हैं जिससे हमारा गेहूं खराब हो सकता है। इसके साथ साथ हम एल्युमिनियम फास्फाइड या सल्फास की गोली का भी गेहूं को संरक्षित रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं संरक्षित रखने के लिए हम 3 से 4 गोली प्रति 10 कुंटल के हिसाब गेहूं में प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे गेहूं लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं और घुन से भी बचा जा सकता है। आवश्यक बात यह है कि जहां पर गेहूं आप भंडारित कर रहे हैं वहां पर सफाई का होना बहुत ही आवश्यक है।